एक लाइन में इन दोनों का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अगर कहीं पे भी आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेगा, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टेन, वन माइनस वन, वन वन लगे हुए सारे जगह और माइनस माइनस लगे हुए, ऐसा क्वेश्चन वो जानबूझ के देता और बार बार आते रहता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट में ये नंबर आएगा ना, यही आंसर होगा। देखो ये 10 आ गया, यही आंसर होगा। लेकिन अगर यही चीज उसने इस तरीके से लिखी है कि वन की शुरुआत यहां से नहीं हुई, अगर यहाँ वन माइनस ऐसे करता ना, वो यहां से करता शुरुआत, और ऐसे तीन बार वन वन आ जाते, तब आपका आंसर यही 10 आ जाता। लेकिन उसने क्या करिए कि जो वन की माइनस वन माइनस की शुरुआत हुई है, इसके ए के अपॉन में हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आएगा ये वाला पूरा वन अपॉन टेन, तब आपका आंसर क्या आएगा? वन अपॉन टेन। और अगर शुरुआत वहां से हुई तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? हाँ, तो अब देखो इसका मतलब, अगर मैं इन दो क्वेश्चन में देखूं, मैं आपको दूंगा करने के लिए अभी, अगर इन दो क्वेश्चन में देखो तो इसके वन की शुरुआत यहां से हुई है, जैसे इसमें हुई है ना वन की शुरुआत, और तीन बार आया वन माइनस वन माइनस वन माइनस, बाकी वन वन है, लास्ट में आठ आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आठ। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आठ हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें वन की शुरुआत जो है यहां से होती अगर, तो आपका आंसर क्या हो जाता? बीस हो जाता। होता कि नहीं होता? लेकिन वन की शुरुआत कहां से हुई? इसके अपॉन से हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक बटे बीस। समझ रहे हो बात को? तो आपको दो क्वेश्चन जो है, नौवां क्वेश्चन और दसवां क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फिफ्टीन, और दूसरा क्वेश्चन है वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन 25, एक मिनट है, 25 की जगह 73 कर दो यहाँ पे, है ना, 7 कर देते हैं, आंसर आ सकता है यहाँ पे, है ना, 7 कर दो, ठीक है। अब